पलवल में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा एकत्रित करने के लिए पंजीकरण किया जा रहा है और सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। पलवल के सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि श्रमिक 31 दिसंबर तक ई कार्ड के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये ई श्रमिक कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होंगे और कार्ड धारक श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें हरियाणा सरकार ई श्रम कार्ड बना रही है और इस कार्ड के बनने के बाद ही जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जिस भी विभाग से सरकारी सुविधाएं मिलनी हैं, ये ई श्रम कार्ड दिखाकर ही मिलेगी और ये 31 दिसंबर 2021 तक बन रहा है, उसके बाद ये नहीं बनेगा। ये कार्ड 16 से 59 साल के बीच जो भी लोग हैं, जो भी हैं, उनका कार्ड बन सकता है। उनको इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, ईएसआई पीएफ में कवर्ड नहीं होने चाहिए और 16 से 59 साल के बीच जो भी लोग आते हैं वो इसमें कवर है। कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक ने बताया कि पलवल जिले के सभी सीएससी केंद्रों पर ई श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ई श्रमिक कार्ड को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है। चाहती है कि जितने भी हमारे रेडी पटरी वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाए जो कि लेबर डिपार्टमेंट की जो भी स्कीम है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए या महिलाओं की सिलाई के लिए उसमें पैसा मिलता है, तो वो एक डाटाबेस ऐसा तैयार हो जाए जो हमारे लेबर कास्ट के लोग हैं उनको फ़ायदा ऑनलाइन ही उसमें मिल जाए। अंदर 16 से 59 साल के जो लाभार्थी हैं इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अंदर जो सरकार की तरफ से सर्विसेज जो मुफ्त प्रदान हो रही है, जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए और दूसरा मुफ्त साइकिलिंग जितनी। कॉमन सर्विस सेंटर पर आए श्रमिकों ने कहा कि ई श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद वे सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मैं मजदूरी करता हूं, मैं अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाहता हूं ताकि मुझे इन योजना गरीब जो योजनाएं हैं उनका मुझे फायदा मिल सके।